गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट आज हम लोग एलिगेशन पार्ट सिक्स तक करने के बाद पार्ट सेवन में आपके साथ रैपिड फायर टेस्ट के साथ हम आ रहे हैं और जिस पैटर्न पर हमने अभी तक पढ़ाया है लगभग उसी पैटर्न पर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप सब देखिए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में है एन के साथ जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है ठीक है और टाइमर भी मैं स्टार्ट कर दूंगा ठीक है ध्यान दो टाइमर के साथ भी करते हैं डेमो के रूप में दिखला रहे थे टाइमर मैं स्टार्ट करता हूं अब बनाना है शुरू करो बनाना ठीक है रेडियो बनते हैं तो पोटाक से जवाब देना थ्री टू थ्री इज टू टू जवाब आया है बहुत अच्छी बात है थ्री थ्री टू थ्री इज टू टू सबका है yes, yes, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है

राइट right आंसर क्या हो गया थ्री टू टू बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नहीं डाला हूं मैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए इसका क्या आंसर होगा टाइमर स्टार्ट हो चुका है सेकेंड का आंसर बताइएगा आराम से बताइए गलत नहीं होना चाहिए बताइए क्या हुआ तय नहीं कर पाएंगे बहुत अच्छा जवाब है राइट क्यों नहीं पाएंगे दोनों का वैल्यू क्या है इससे बीच वाले से क्या है कम है बिल्कुल सही जवाब आप लोग का है तय नहीं कर पाते हैं सबका यही आया है कांट बी पॉसिबल कांट बी पॉसिबल ये संभव नहीं है वेरी स्मार्ट जवाब है आपका ये संभव ही नहीं है ठीक है फाइव uh, रुपीज़ फोर्टी फोर पैसे के रेट से मिलाने हैं हमको नाइन रुपीज़ सिक्सटी पैसे वालों को मिलाने हैं और ट्वेल्व सिक्स बेचने पर वन बाई सिक्स प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस वन होता तो प्रॉफिट वन बाई सिक्स होते तो दोनों का सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है सेवन बाई सिक्स इज इक्वल टू ट्वेल्ड सिक्स है अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो रहा है वन पॉइंट एट टाइम्स और वन इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपके वन इज इक्वल टू वन पॉइंट एट करेंगे एट इन सिक्स कितने हो गए फोर्टी एट एन सिक्स फोर्टी टेन पॉइंट एट रुपीज़ पैसे हो गया है. तो ये हम यहाँ चेक कर

क्वेश्चन नंबर थ्री टाइमर स्टार्ट हो गया थर्ड में भी क्या होगा देखो बताओ सर yes, बहुत अच्छी बात है देखता हूँ इसका बन पा रहा है कि नहीं कि इसमें भी भी पॉसिबल आ रहा है देखो बताओ सर, दोनों वैल्यू बड़ा है उससे बिल्कुल सही जवाब कंफ्यूज yes, <laughs> किया गया इसमें दोनों वैल्यू बड़ा है ठीक है यस यस सर सिंपल है देख रहे हैं कि हम ये टेन रुपीज फिफ्टी पैसे ये है और पंद्रह रुपये का ये है और सेवन रुपीज है तो वन बाय सिक्स इसका प्रॉफिट हो रहा है तो सेवन बाय सिक्स इज एक टू क्या हो जाएगा सिक्स One six रुपिया हो गया तो और ये भी बड़ा है, ये ये है, है। तो संभव ही नहीं है क्या यहाँ भी आंसर क्या होगा कांट भी पॉसिबल बात समझ गए जल्दीबाजी नहीं करना है गलती हो। जान बुझे ऐसा क्वेश्चन सेट होता है लेकिन यहाँ पर हम अगर सेवनटीन की जगह फोर्टीन रख देते हैं यहाँ सेवन रुपीजीन रख देते हैं तब के आंसर क्या होगा बदलाव अगर यहाँ पर सात रुपये की जगह फोर्टीन रुपीज कर देते सेवन पर देतेजी नहीं करके फोर्टीन रुपीज कर देते तब क्या होता तब आंसर बताइए तब शायद आंसर आज होता है, तुछ तुछ। ट्वेल्व हो जाते हैं राइट ना अब देखो यहाँ पर अगर फोर्टीन यहाँ रख देते हैं यहाँ सात रुपये की जगह डाटा यहाँ अगर चेंज कर देते हैं जानवर कैसा ऐसा किया गया था अगर यहाँ पर फोर्टीन रुपीज़ कर दिया जाता तो टेन रुपीज़ फिफ्टी पैसे का कॉस्ट प्राइस वाले को मिक्स करना है कितने है? आपका पंद्रह रुपये पैसे पंद्रह रुपये पर के वाले के साथ मिक्स करना है मिक्स करने के बाद फोर्टीन रुपीज़ पर के बेच रहे हैं तो वन बाई प्रॉफिट हो रहा है तो सेवन बाई सिक्स इज इक्ल टू तो वन इज टू क्या हो जाता वन इज टू ट्वेल्व हो जाते और ट्वेल्व को यहाँ रख देते हैं तो ट्वेल्व को यहाँ रख देते हैं तो आंसर निकल जाता है

कंसेप्चुअली बात यहाँ कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है क्वेश्चन नंबर फोर आपके स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर फोर भी इसी प्रकार के क्वेश्चन है जरा ध्यान देंगे टाइमर स्टार्ट करता हूं मैं अब ठीक है स्क्रीन हट जा स्क्रीन हट जा रहा हटना तो नहीं चाहिए लेकिन देख लेता हूं मैं सर, अभी आया So, hmm. सर ट्वेंटी पर कॉस्ट होगा ना परसेंट सर दूसरा क्वेश्चन आ गया फिफ्थ आ गया फिफ्थ आ गया फोर्थ में ट्वेंटी पर कॉस्ट नहीं 20 कर लो ट्वेंटी परसेंट

सबका आ गया दे सर टू इंजू वन टू वन सेम क्वेश्चन है मैं सिर्फ डाटा चेंज किया आपको देखने के लिए फोटाफट ठीक है देखो अब सभी स्टूडेंट बोर्ड बोर पर ध्यान दे दो आंसर आए हैं देखते हैं दोनों में से कौन अब एक बिल्कुल सिंपल ऐसा क्वेश्चन आप परे होंगे देखना सेम है सिर्फ नंबर चेंज किए गए नाइन रुपीज पर केजी वाले के साथ मिक्स एट रुपीज वाले को मिक्स करने पर फोर्टी uh, रुपीज टेन रुपीज फोर्टी पैसे बेच रहे हैं टेन रुपीज फोर्टी पैसे बेच ट्वेंटी परसेंट प्रोफिट आया था हंड्रेड कॉस्ट प्राइस ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिटी बाय हंड्रेड इज इक्वल टू इतना है तो हंड्रेड इज इक्वल टू क्या है वो फाइंड करना है राइट right ना 20 क्या हो गया? Six times, 20 कितने हो गया? तो हंड्रेड इज इक्ल टू क्या होगा? क्या? क्या इतना है तो 100 is equal to क्या करना है आपको ये फाइंड करना है राइट ना एक बार फिर से तो चेक करो नाइन रुपीज पर के वाले को मिक्स करने हैं एट रुपीज पर के वाले के साथ राइट कि मिक्स करने के बाद 20% 1040 हो तो 120 ट्वेंटी है तो हंड्रेड इज इक्वल राइट ना तो फिफ्टी वन क्या हो जाएंगे बाई right तो क्या हो जाएंगे 3 तो 16 बाई थ्री हो गया 16 बाई थ्री हो गया तो 16 3.3 से क्या दोनों बड़ा है क्या

नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव फाइव नंबर देखिएगा फाइव नंबर क्वेश्चन के टाइम स्टार्ट कर देता हूँ ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कशन कर चुके थे सिर्फ वैल्यू को थोड़ा इधर उधर कर दिए गए हैं क्या आंसर आ रहा है? 80 केजी कितने? हाँ 80 केजी 80 केजी और किन्हीं का प्रिंस भी बोलना चाह रहे हैं सर तो बता दिए 80 केजी 80 केजी प्रिंस भी बताइए और कोई सर 80 केजी हम्म पल्ल भी है, जी बहुत अच्छी बात और सबका आना चाहिए चलिए देखिए स्क्रीन पर ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट कहता है वर्ड वेट ऑफ सेम क्वेश्चन पढ़ाया हुआ बार बार मैं कह रहा हूँ तो फटाफट आंसर होना चाहिए एग्जामिनेशन मॉल में भी ऐसा ही होना चाहिए ठीक है कि अगर आप पढ़ा हुआ आ गया परा ही हुआ आएगा ठीक है एट रुपीज फोर्टी पैसे है वर्ड वेट ये वेट पूछ रहा है इसका कितना कि वेट का हम मिक्स करें शुड मिक्स वन ट्वेंटी के जी सुगर इसका वन ट्वेंटी के जी का मिक्स वन ट्वेंटी के जी मिक्स करें जिसका, जिसका रेट फाइव रुपीज़ फोर्टी पैसे है और सिक्स सिक्सटी बेचने पर ना इधर प्रॉफिट होता है ना तो लॉस होता है यही कॉस्ट है यही सेलिंग है इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो एक छोटा एक बड़ा ऑलरेडी है

सो 1.2 और 1.8 1.80 1.80 ऐसा क्या 80 ठीक है तो 60 दोनों में कॉमन है और 1.8 क्या हो गया 2:3 राइट आंसर क्या हो गया 2:3 कितना फास्ट फटाफट बनते जा रहे हैं क्या ठीक है कोई टाइम टेकिंग नहीं लग रहा है इसीलिए आप अब जो पढ़ा रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए उसी पर डाटा चेंज करके ऐसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं रेडी रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन यस सर ठीक है ना देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बदतने जा रहे हैं आप लोग ठीक है क्वेश्चन नंबर स्क्रीन चुके हैं ये भी से बनना चाहिए से दस पंद्रह सेकेंड बनाने का आदर डालना ठीक है नेक्स्ट टाइमर स्टार्ट करता हूं मैं थर्टी सेकेंड का टाइम दिया हुआ है थर्टी सेकेंड का टाइम है आपके पास 24 लीटर 24 लीटर पल्लवी का आंसर है 24 लीटर और सबका 24 लीटर क्या सहमत है बतला दे आराधना स्वाति नहीं है जया दीपा कोई नहीं बता रहे हैं नहीं बन रहा है क्या राज ये तो प्राय हुआ क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है okay. देखिए क्वेश्चन में कह रहा है मिक्सर ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क मिल्क का क्वांटिटी नहीं पता इसमें थर्टी टू लीटर वाटर मिलाया जा रहा है वाटर मिलाने के बाद रेट हो जा रहा है छह रुपया पर लीटर तो कहता है एंड मिल्क प्योर मिल्क का रेट कितने फोर्टीन रूपीज ठीक है फ़ोर्टीन रुपीज़ प्योर मिल्क अगर खरीदोगे तो फोर्टीन रुपीज़ थर्टी टू लीटर वाटर इसमें ऐड कर देते हैं तो रेट हो जाता है छः रुपये लीटर तो कहता है कि बताइए कितने लीटर यहाँ प्योर मिल्क इस मिक्सचर में कितने लीटर है ठीक है तो वो प्योर हमने बताया था कि वाटर का रेट जो मिला रहा है वो जीरो रुपये पर लीटर मिला रहा है जीरो एंड सिक्स का डिफरेंस यहाँ करेंगे तो सिक्स हो जाएंगे और फोर्टीन और सिक्स का डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा एट हो जाएंगे दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये दोनों में टू कॉमन है तो थ्री इज टू क्या हो जाएंगे फोर हो जाएंगे राइट ना इज़ टू क्या हो, गया? 4. 4 कितने लिटर? बात लिटर की हो रही तो फोर इज इक्वल टू थर्टी टू लीटर है तो फोर इज इक्वल टू थर्टी टू लीटर हो गए तो ये थ्री कितने लीटर के बराबर होगा थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे थ्री इन टू एट कितने हो जाएंगे ट्वेंटी फोर लीटर हो जाएंगे बात समझ गया क्या थ्री इज इक्वल टू क्या होगा ट्वेंटी फोर लीटर अभी भी कोई डाउट है बताइए कोई बात नहीं प्रैक्टिस करना पड़ेगा देखो प्रैक्टिस परफेक्ट टाइम मैनेज करना है हम लोग को सिर्फ नॉलेज नहीं लेना है इस बात का ध्यान दे दो कॉलेज का यूनिवर्सिटी का प्राइस डिफरेंट है और इसका प्राइस डिफरेंट है जानने के बाद टाइम भी मैनेज करना और स्ट्राइक भी करने की आवश्यकता है क्वेश्चन का पैटर्न हम ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है जो आप पढ़े थे वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तभी तो बनाने का एक्सपेक्ट करता है वो ठीक है ना ओके okay? चलिए आगे को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन सेवन आपके स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन नंबर सेवन टाइमर इसलिए यहाँ सेट कर रहे हैं क्योंकि आपको सेकेंड्स में कैसे बने वो जानना है ठीक है टाइमर स्टार्ट हो चुका है जहां ध्यान देना क्वेश्चन नंबर सेवन आपके स्क्रीन पर है 60 gram. 60 gram, आप समझ में आ गया ना कैसे फटाफट yes, बनाने yes, हैं yes, बहुत, अच्छा, बहुत अच्छा प्रैक्टिस समझ में आया टेस्ट का मतलब तो क्या है प्रैक्टिस करना आपको ज्यादा से ज्यादा बिना प्रैक्टिस किए हुए कुछ भी संभव नहीं है ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है तो बतलाना है इसको ठीक है थ्री हंड्रेड ग्राम सेम क्वेश्चन लोग पढ़ चुके हैं यहाँ थ्री हंड्रेड ग्राम थ्री हंडरसेंट है और कहता है सिर्फ चीनी ही करना है तो हंड्रेड परसेंट करने के बाद क्या हो? 50%. इनका डिफरेंस निकालते हैं तो फिफ्टी परसेंट इनका डिफरेंस करते हैं तो कितने हो रहे हैं टेन परसेंट दोनों का रेशियो देखते हैं तो क्या हो गया फाइव इज टू वन हो गया तो फाइव इज इकल टू थ्री हंड्रेड ग्राम थ्री हंड्रेड किलोग्राम या ग्राम जो भी हो वन इज टू क्या होगा सिक्सटी तो यहाँ पर ये वन है तो वन इज इक्वल क्या होगा साठ ग्राम यानी चीनी कितना मिलाना है सिक्सटी ग्राम क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट आपके स्क्रीन पर आ गए हैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूं चलिए टाइमर स्टार्ट हो गया अब टाइमर आप लोगों को विजिबुल नहीं हो रहा था अभी क्लियर विजिबुल हो रहा है ऊपर दिखाई दे रहे हैं आपको 80 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेंट 20% ऑफ वाटर हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द वाटर टू 56% परसेंट ठीक लीटर मिश्रण में मिल्क और पानी है जिसमें बीस प्रतिशत वानी है कितना पानी और मिलाया जाए तो इसमें पानी छप्पन हो जाए

फोर्टी फाइव लीटर थर्टी सिक्स लीटर ऑप्शन आ रहे हैं थर्टी सिक्स लीटर फर्स्ट ऑप्शन आया थर्टी सिक्स लीटर और 45 फाइव लीटर इसके अलावा भी नहीं का यार नहीं बन सकते हैं ये भी बता सकते हो संभव नहीं है चौथा कांट भी पॉसिबल, ऐसा ऑप्शन रहता है पांचवा इनमें से कोई नहीं ठीक है फाइव नन ऑफ दिस नन ऑफ दिज इनमें से कौन सा आंसर होगा बताओ बता दे है? 80 लीटर का मिक्सचर है ठीक है पूरा मिल्क एंड वाटर इसमें वाटर कहता है वाटर 20 परसेंट है और इसकी इतना वाटर मिलाया जाए वाटर ही सिर्फ मिला रहे हैं तो 100 परसेंट वाटर मिला रहा है मिलाने के बाद 56 सिक्स परसेंट ये संभव है क्या 56 सिक्स एक छोटा है और दूसरा क्या है बड़ा है तो इनका डिफरेंस करेंगे तो ये ट्वेंटी सिक्स का डिफरेंस क्या है थर्टी हो रहा है हंड्रेड और इसका डिफरेंस कितने हो रहे हैं फोर्टी हो रहा है दोनों का रेशियो निकालेंगे दोनों में फोर कॉमन है तो एलेवन और क्या हो गया नाइन राइट ना डेसिमल में आएगा क्या डेसिमल में आ रहा है क्या Yes, हाँ डेसिमल में आ रहा है कोई बात नहीं डेसिमल में आंसर yes, देंगे हम तो इसीलिए लेट हो रहा होगा आप लोग को अलेवन इज एलेवन इज टू नाइन है तो एलेवन इज टू नाइन है तो एलेवन 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 प्लस नाइन क्या हो जाएंगे नाइनटी नाइन इलेवन इज इक्वल टू एटी है दोनों मिला के नाइन्टी नाइन हो रहा है तो वन इज इक्वल टू क्या बाई इतने हो जाएंगे दशमलव में निकालना है क्या इस प्रकार हो जाएंगे बन जाएंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन नाइन ज्यादा ध्यान देंगे नाइन नंबर क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है हंड्रेड ग्राम लोआय ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर है कंटेन एटी परसेंट गोल्ड बाय वेट फाइंड द क्वांटिटी ऑफ गोल्ड दैट इज टू बी मिक्स्ड अप विद द सो दैट एलॉय सो दैट कंटेन नाइनटी परसेंट गोल्ड सेम क्वेश्चन है सिर्फ परसेंटेज चेंज होगा बनाना शुरू करिए सो हंड्रेड ग्राम हंड्रेड ग्राम्स वेरी गुड क्या हंड्रेड ग्राम आ रहा है सबका